गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरफ द सत्तार खान। टेंथ क्लास इंग्लिश 2.1, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसके इंग्लिश वर्कशॉप एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के साथ हम हाजिर हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली एक कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। इसमें राइमिंग वर्ड्स देखना है। राइमिंग वर्ड्स यानी हम काफ़ी लफ्ज़ एक जैसे आवाज़ निकलने वाले यमक या एक जैसा सूती अल्फाज भी कह सकते हैं। पैशन इमोशन, जॉब रॉब, फास्ट लास्ट, रीड फीड, चेंज रेंज। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ स्टीम, इसका आंसर हमारा सेल्फ स्टीम को हम कैसा इसकी हिफाजत कर सकते हैं। वी मस्ट फील प्राउड फॉर हैविंग देम। सेकेंड, वी मस्ट फील प्राउड फॉर हैविंग देम। हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारा सेल्फ स्टीम है। वी शुड नो आवर ओन कैरेक्टर आवर गुड क्वालिटीज एबिलिटीज़। हमें अपना अच्छा कैरेक्टर अपनी क्वालिटीज़ का को जानना चाहिए। आवर सेल्फ स्टीम शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। हमारा सेल्फ स्टीम शुड बी रिफ्लेक्टेड आवर यूअर है तो इसको आवर कर लीजिए। आवर सेल्फ स्टीम शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर। हमारा सेल्फ स्टीम हमारे बिहेवियर से ज़ाहिर होता है। इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ स्टीम। इस तरह से हम अपने सेल्फ स्टीम का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट थिंग्स कैन लीड टू स्लो डेथ। कौन सी चीज़ें एक आहिस्ता आहिस्ता मरने वाली मौत की तरफ हमें ले जाती है। इफ़ वन इग्नोर्स ट्रैवलिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, नोइंग वंस ओन क्वालिटीज, कीपिंग योर सेल्फ रेस्पेक्ट, टेलिंग अदर्स टू हेल्प यू, देन वन कैन लीड टू स्लो डेथ। यानी क्या करते हैं, अगर हम इग्नोर करते हैं, ट्रैवलिंग यानी घूमना फिरना, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, टू द साउंड्स ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी खुशियों को जीना, नोइंग वंस ओन क्वालिटीज़ और अपनी खुद की क्वालिटीज़ को जानना, कीपिंग योर सेल्फ रेस्पेक्ट, टेलिंग अदर्स टू हेल्प यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखने के बावजूद दूसरों से मदद मांगना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऑल्सो इफ वन बिकम्स अ स्लेव ऑफ वंस हैबिट्स, अगर कोई अपनी आदतों का गुलाम बन जाए, डज द सेम थिंग एवरी डे विदाउट चेंजिंग द रूटीन, और एक ही तरह का काम करता रहे अपना रूटीन बदले बगैर, वियर्स द सेम कलर्स एक जैसे ही रंगों को पहने, अवॉइड्स स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स और अजनबियों से बात करने से परहेज करें, वन कैन लूज हिज हर हैप्पी फ्यूचर। कोई भी अपने एक खुशहाल मुस्तकबिल को खुशहाल मुस्तकबिल से मुंह मोड़ सकता है, उसे खो सकता है, लूज कर सकता है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम टाइटल, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, टाइटल ऑफ द पोएम पोएट, दिस पोएम इज रिटन बाय पाब्लो नेरुदा, ये पाब्लो नेरुदा ने लिखी है। राइम स्कीम क्या है, देर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल, ये पोएम जो है फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, अपोस्ट्रोफ, रिपीटेशन एंड एंटीथेसिस। थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, द थीम ऑफ द पोएम इज लाइफ मस्ट फ्लो एंड रिन्यू इट्सेल्फ एट एवरी मोमेंट ऑफ इट्स बीइंग, यानी हर लम्हे ज़िंदगी क्या करती है, अपने आप को नया करती जाती है। वी लिव आवर लाइफ फुलेस्ट, हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जीते हैं। ओनली वेन वी एनरिच आवर सेल्फ विथ न्यू नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस, फ्रेश इमोशंस, डेयरिंग एनकाउंटर्स एंड एक्साइटिंग चैलेंजेस। अब हम ये अपनी ज़िंदगी को कब जी सकते हैं, जब हम अपने आप को कैसे हम एनरिच करेंगे, नए इल्म से, न्यू नॉलेज से, वाइड एक्सपीरियंस बड़े तजुर्बात से, फ्रेश इमोशंस ताज़ा जज्बात से, डेयरिंग एनकाउंटर्स और बहुत ही बेहतरीन, आप बहुत ही हिम्मत वाले अगर तबादले करते हैं, मुकाबले करते हैं या फिर चैलेंजेस को कबूल करते हैं। इफ़ वी सेटल फॉर अ लाइफ डैट इज़ स्टैगनेंट, अगर हम कोई स्टैगनेंट यानी रुकी हुई ज़िंदगी के ऊपर सेटल हो जाए, रिपीटेटिव और कन्वेंशनल या फिर जो हमेशा हमेशा रिपीट होने वाली है उसके ऊपर हम इक्तफा कर लें, वी स्टार्ट डाइंग स्लोली, हम आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप, इसमें कुछ अपोजिट फॉर्म ऑफ एडवाइस लिखना है, यानी उसमें दिया हुआ है
यू अप्रिशिएट यूर सेल्फ, यू डू नॉट अप्रिशिएट यूर सेल्फ, यू डू नॉट केल सेल्फ स्टीम, यू केल सेल्फ स्टीम, यू बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट, यू डू नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट। तो ऐसे आपको बनाना है। यू रिफ्यूज़ टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, यू डू नॉट चेंज यूर लाइफ, यू रिफ्यूज़ टू टेक रिस्क। चलिए इसके आंसर्स है, यू शुड अप्रिशिएट यूर सेल्फ, यू शुड कीप अप यूर सेल्फ स्टीम, डोंट बिकम स्लेव ऑफ बैड हैबिट्स, यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, यू शुड चेंज यूर लाइफ, यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ रिस्क। वट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम डैट सूट्स द पोएम? टेक्स्ट बुक आप देख लीजिए, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। बी यूर सेल्फ एंड डू वॉट यूर हार्ट टेल्स यू। आपको अपने आप से बात करना है और वही करना है जो आपका दिल कहता है। लाइन डैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम, यानी थीम का जो एविडेंस है वो बताती है वो कौन सी लाइन है। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ यू स्टार्ट डूइंग स्लोली। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलोगे तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरोगे। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम, ये पोएम की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है, तो उसको आपने जिसका आपने इनकार करना है। जैसे कि बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, आप अपने आदतों के गुलाम बन जाए बिल्कुल नहीं बनना। नॉट गोइंग विथ फ्रेश इमोशंस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको फ्रेश इमोशंस को कबूल करना है। नॉट फेसिंग एक्साइटिंग रिस्की चैलेंजेस, रिस्की चैलेंजेस को कबूल नहीं करना है। व्हाट एक्सप्रेशन डैट इज रिपीटेड इन द पोएम, पोएम में कौन सा एक्सप्रेशन बार बार रिपीट हुआ है। ये इफ़ यू डू नॉट, ये एक एक्सप्रेशन है जो बार बार यूज हुआ है। रिपीटेड इन द पोएम, इट हैज़ बीन रिपीटेड 12 टाइम्स इन द पोएम, ये 12 मरतबा रिपीट हुआ है। द पोएट एम्फसाइजेस इट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्ज स्ट्रांगली टू रीड द पोएम एंड स्ट्रेस द थिंग्स डैट वी शुड नॉट डू। ही रिमाइंड्स अस एवरी टाइम व्हाट वी शुड अवॉइड टू डू फॉर लिविंग गुड लाइफ। पोएट क्या करता है, बुरी आदतों से बचने की हमें नसीहत करता है। वो बार बार हमें रोकता है, हमें रिमाइंड करता है कि हम अच्छी चीज़ें करें, बुरी आदतों से रुके तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इंस्पिरेशनल थिंग्स ऑफ लाइफ, कौन कौन सी चीज़ें हैं इंस्पिरेशनल हमारे लाइफ में। आंसर है पहला मोटिवेशनल स्टोरीज, दूसरा ड्रीम, तीसरा रोल मॉडल, चौथा पेरेंट्स सपोर्ट, पाँचवा फेथ इन योर सेल्फ एंड छठा सेल्फ मोटिवेशन। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।